नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक मोवाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये चैनल है वो सोलर इंडस्ट्री से, सोलर में कैसा भी सवाल हो वो जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था कि आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं, तो 80% लोगों का कहना है कि बिजनेस अच्छा होता है। और बहुत सारे मेरे को कॉल आते हैं, दिन में 10 से 15 कॉल आते हैं कि सर हमें सोलर इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, क्या फंडामेंटल रहता है, कैसे तैयारियां करनी है हमें और कैसे क्या है, किस प्रकार हमारा माइंड सेटअप करना है वो आप बताइए। तो इसी से लेकर आप कहें और मैं नहीं करूं ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए मैं आपके लिए ये एक वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा, एक ऐसे बिजनेस कोच, एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को मैं इन्वाइट करूंगा इसमें, जो 20 सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें, और अभी वो साधना टीवी पर भी आए हैं और उनकी जो बातें आप सुनेंगे ना, 30 से 40 मिनट्स आप अगर देख नहीं सकते हैं तो कान में ईयरफोन लगा दीजिए, हेडफोन लगा दीजिए, आप उनकी बातें पूरी के पूरी सुनिए। इस वीडियो में आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं, जो 30 से 40 मिनट्स में आपको जो सुनाई देगा वो आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं, ऐसा बातें आज अपन करने वाले हैं। तो आज मैं इनवाइट कर रहा हूं यहां पर दिल्ली से चंद्रशेखर सिंह जी। उनका एक फंडा है कि छोटा व्यापार बड़ा मुनाफा, यानी कि व्यापार छोटा हो मुनाफा बड़ा हो। तो चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक मोवाड़ी यूट्यूब चैनल पर, और पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राणावत जी मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का, सारे सब्सक्राइबर्स का मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं गमेर सिंह राणावत जी अपने चैनल टेक मोवाड़ी के जरिए। पिछले 4 वर्षों में अथक प्रयासों से इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि जिस तरह से ज़मीन से जुड़कर राणावत जी जैसे यूट्यूबर मेहनत से लोगों के जीवन को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ये मेहनत, ये पुरुषार्थ सार्थक हो, ये एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, मिलियन सब्सक्राइबर का बेस जल्दी आप लोग अचीव करें, और न सिर्फ YouTube पर मिलियन सब्सक्राइबर हों बल्कि मिलियंस आपके बैंक अकाउंट्स में हर वर्ष हर महीने आते रहें, ऐसी मेरी कामना है। तो सर पहला जो सवाल है मेरा कि व्यापार करें या फिर नौकरी। तो पहला सवाल आपका ये है राणावत जी कि व्यापार करें या नौकरी करें, और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके बीच जहन में होगा कि कैसे हम ये असेस करें। वैसे तो ज़्यादातर जो लोग इस बिज़नेस चैनल पर हैं या कोई भी बिज़नेस चैनल आप देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आप अपना बिज़नेस करने की तमन्ना अपने दिल में लिए हुए हैं, तभी आप बिज़नेस चैनल देख रहे हो। मेजर डिफरेंस व्यापार और नौकरी के अंदर ये है कि नौकरी में आप किसी की गुलामी करते हो, एक तरह से आपकी जो ग्रोथ है उसके चांसेस लिमिटेड होते हैं, बंदिशें होती हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स में शायद आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो काबिलियत है वो उस मुकाम पर ना पहुंचा पाए आपको ज़िंदगी में, जीवन में तरक्की के पायदान पर जिसके आप असली में हकदार हैं, और आपका जो पोटेंशियल है रियल में वो कहीं ना कहीं छुपा रह जाता है। व्यापार के अंदर वहीं अपार संभावनाएं हैं, मेहनत जितनी करेंगे, जितना रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है, जितना आपका मानसिक रूप से आप मजबूत हैं, और जितनी जिल्लत मेहनत ताने सहने की क्षमता आपके अंदर है, उतनी बड़ी तरक्की, शानदार महलों जैसी आपकी इमारतें खड़ी होंगी, कारखाने खड़े होंगे, और बैंक बैलेंस जानदार होगा, शानदार होगा। तो बिज़नेस के अंदर अपार संभावना है, लेकिन उतना ही रिस्क भी है, उतनी मेहनत भी है, और जितनी आसानी से आप नौकरी में महीने के महीने जाकर तनख्वाह ले लेते हो, और आपको अगर वो आदत लग गई और कंफर्ट जोन में आप रहने की आदत में शामिल हो गए हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए अपना बिज़नेस शुरू करना। मगर जिस व्यक्ति के अंदर एक तीव्र इच्छा है, जो वाकई में अपनी ज़िंदगी को एक औसत आदमी की ज़िंदगी से बेटर और ऊपर जीना चाहता है, वो व्यक्ति बिना बिजनेस किए हुए रह नहीं सकता अपनी लाइफ में। जिसे अपनी आज़ादी, जिसको खुद के अपना बॉस बनने का एक उसके अंदर इच्छा है, तीव्र इच्छा है, वो खुद काम करेगा। ये बात अलग है, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, आप अपने बिजनेस में लगता तो है कि आप अपने बॉस बनेंगे, बट हकीकत में
आप अपने एम्प्लॉयज और आपके वेंडर्स और अपने बायर्स के, अपने क्लाइंट्स के आप एम्प्लॉय होते हो, उन लोगों के लिए आप काम कर रहे होते हो। लेकिन खूबसूरती यह है कि आप चूज कर सकते हो कि किस एम्प्लॉय के साथ आपको काम करना है, किस क्लाइंट के साथ आपको काम करना है, किस वेंडर के। तो ये आज़ादी नौकरी में नहीं है। जब आपने एक बार नौकरी कहीं ज्वाइन कर ली, उस कंपनी ने आपको जिस बॉस के साथ लगा दिया, बस आपको वहीं टिके रहना है, उसी के साथ आपको समय बिताना है, जब तक कि आप या तो कंपनी से ना चले जाओ, या फिर वो बॉस ना चला जाए, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव ना हो जाए। तो कई बार टॉक्सिक बॉस की कहानियाँ होती हैं, वहाँ पर लोग डिप्रेशन में रहते हैं, और बहुत सारे लोग नौकरियाँ अपने मालिक की वजह से नहीं, कंपनी में जो मालिक है, और अगर वो डायरेक्ट बॉस है तो उसकी वजह से, उसके नेगेटिव एटीट्यूड या उसके तंग करने की वजह से, या वो आपकी भावना को नहीं समझ सकता, या शायद आपके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, या जो आपका बॉस है वो आपको तरक्की में आपकी रोड़े अटका रहा है, सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। तो इस तरह की चीज़ों में आप नौकरी के अंदर दिन रात स्ट्रेस में भी कई बार रह लेता है व्यक्ति, ऑफिस की पॉलिटिक्स भी कई बार आपको परेशान कर देती है। जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है वो ये बात समझ ले कि अगर आप 3 से 4 वर्ष कम से कम, और हो सकता है कि ये पीरियड कई बार लंबा हो जाए, अपने और अपने परिवार की बहुत सारी आराम और कंफर्ट वाली चीज़ों को कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। शायद आप साल में एक बार ही नए कपड़े खरीद पाएँ या फिर ना खरीद पाएँ। शायद आप 2-3 साल तक अपने परिवार को कहीं घुमाने के लिए किसी महंगी जगह पर छुट्टी के लिए ना ले जा पाएँ। रेस्टोरेंट में शायद खाना खाना आपका अभी खाते हो गया, आप महीने में 2-3 बार शायद वो ना हो पाए। लेकिन आप अगर कुछ वर्ष अपने इस तरह के औसत आदमी से लेवल से नीचे के जीने के लिए, और सिर्फ अपने जीवन को बेटर बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए, झोंकने के लिए तैयार हो, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आपके क्लासमेट्स, आपके रिलेटिव्स फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एसी में जा रहे हैं, एयरप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस में क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस को आपको तरक्की देनी है, तो आप थर्ड क्लास, थर्ड एसी, या फिर शायद आप स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर रहे हो क्योंकि पैसे बचाने हैं आपको। शायद आप शादी विवाहों में उतनी देर के लिए शामिल ना हो पाएं, छुट्टियों पर उतना लंबा ना जा पाएं जितना कि बाकी लोग, नौकरीशुदा लोग जाते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस ज़रूर है, लेकिन ये सेक्रीफाइस, ये त्याग बहुत काम आता है, बहुत ही शानदार आपके जीवन में प्रगति लेकर आता है, और एक आत्मसंतुष्टि। सही बताऊं तो आपको मैं, हम इंसानों के लिए जो जीवन में सबसे बड़ा जो सुख है वो है सेल्फ ग्रोथ का, जो सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है, और वो सेल्फ ग्रोथ रियल में आपकी बिजनेस में ही हो सकती है। किसी नौकरी में सेल्फ ग्रोथ बहुत आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ संभावना आपके ऊपर है। आप पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशते जाएं। छोटे से बिजनेस शुरू किया, 10 बिजनेस खोलिए, फ्रेंचाइजी खोलिए, ऑल ओवर इंडिया लेकर जाइए, अपना IPO लेकर आइए, वर्ल्ड वाइड फैलाइए। तो तरक्की की राहें जितनी आप चाहें उतनी तय कर सकते हैं, उतनी राहें आप चुन सकते हैं, और संभावनाएं अपार हैं पैसे की। तो ये है बात, बिजनेस करें या नौकरी, ये आपको डिसाइड करना है कि आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, आपके परिवार की, अगर आपके परिवार में आपको भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो दोस्त रिस्क लेकर आप अपने बिजनेस के अंदर पूरा पैसा डाल देंगे तो बाकी परिवार का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिजनेस शुरू करने से पहले आप सभी को जो तैयारी करनी है, उसमें से एक चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिजनेस आप जब करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपको अपने घर के बेसिक खर्चों का जुगाड़ आप करके चलें। पार्ट टाइम कहीं ना कोई बिजनेस, कोई ऐसा पार्टनरशिप, पानी का बिजनेस, पानी कुछ भी ऐसी कोई इनकम का सोर्स बना दो, जिस रेंटल इनकम, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चला दो, पार्टनरशिप बना लो किसी दुकान में जो कि किसी की चलती है, उसको पैसे की जरूरत है, आप लगा दो, एंड बिकम अ रिटेनर कस्टमर, एक रिटेनर पार्टनर बन जाओ, प्रॉफिट शेयरिंग का वहां पर टाइम मत दो। तो इस तरह का कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ करके चलना पड़ता है। अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए, कितनी रिस्क झेलने की क्षमता है, कितना पैसा आप लगा सकते हो, कितना समय, और कितने समय तक इस तरह से बिना उसके सक्सेसफुल होने के, साल डेढ़ साल लग जाता है। बिजनेस के थ्रेश होल्ड होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, उसी तरह से बिजनेस के लिए रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। एक बिजनेस जो 1.5 साल तक चल गया, पहले 1.5 साल तक वो चल गया, वो अगले 3 साल तक आराम से चलेगा। 3 साल अगर आपने कोई बिजनेस चला लिया, वो 5 साल तक जाएगा, और 5 साल तक आपने कोई बिजनेस चला लिया, फिर आप उसको चला के ले जाओगे। एंड दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति जो एक बिजनेस चला सकता है अच्छी तरह से, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस चला सकता है, ये ध्यान रखना। बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल सेम होते हैं, चाहे वो केले का ठेला लगाने वाला आदमी है, सब्जी का ठेला लगाने वाला, या फिर फॉर्च्यून 500 या MNC चलाने वाला व्यक्ति है। ये बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल सेम होते हैं, बाकी सारी उसकी शाखाएं हैं
जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी आप बहुत सारे कंसल्टेंट और कोचेस के द्वारा देखते हो। सर आपने बहुत अच्छा बताया है कि व्यापार बहुत अच्छा रहता है, यानी कि कहते हैं ना कि बड़े राज्य का सेनापति बनने से अच्छा है कि छोटे राज्य का राजा बन जाएं आप, यानी कि आपको नौकरी नहीं करना है, व्यापार करना है, जैसा कि चंद्रशेखर जी ने बताया है उसके हिसाब से। सर मेरा जो दूसरा जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल है कि व्यापार को छोटे लेवल से करें या फिर बड़े लेवल से। तो राणावत जी आपका प्रश्न है कि व्यापार को छोटे लेवल से शुरू करें या बड़े लेवल से। तो दोस्तों समझदारी ये कहती है कि व्यापार बिजनेस आपको हमेशा छोटे स्तर से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि छोटे बिजनेस में आप जब करेंगे पायलटिंग करेंगे किसी आइडिया की, उसकी टेस्टिंग होगी, आपका स्किल जो है, खुद का जो स्किल सेट है वो भी टेस्ट हो जाएगा, आपके साथ जो टीम है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, और आप कितना बड़ा काम झेल सकते हो, कितना बड़ा टीम को मैनेज कर सकते हो, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स की हैंडलिंग आप फाइनेंशियली और टेक्निकली एग्जीक्यूशन वाइज ऑपरेशन वाइज कितने बड़े स्तर पर दुकान संभाल सकते हो, कितना बड़ा कारखाना संभाल सकते हो, ये टेस्टिंग आपकी छोटे लेवल से ही पता चल जाएगी। जब आप अपने बिजनेस में होते हैं, बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू कीजिए, छोटे स्तर से, छोटे मार्केट से शुरू कीजिए, उसकी पायलटिंग करिए। बिकॉज बिजनेस को करने से पहले बहुत सारी चीज़ें तैयार जो करनी है, वो आपको तैयारियां हैं कि उसमें बहुत सारा आइडिया ढूंढ लिया आपने, कौन सा मार्केट में करना है, क्या काम करना है, ये सब ढूंढने के बाद में आपको लेवल छोटा रखिए। और बिजनेस करने से पहले उस जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, लेट से आप पत्थर का एक्सपोर्ट का काम करना शुरू करना चाहते हो, स्टोन एक्सपोर्ट, तो स्टोन एक्सपोर्ट की जो कंपनीज हैं उनके साथ में काम करिए, उनके सेल्स का काम करिए, उनका अकाउंटेंट का काम करिए, उनके ऑपरेशन या कमीशन एजेंट का, ताकि उस चीज़ को समझें कि वाकई में इस बिजनेस के दाव पेच क्या है। बिजनेस के दावपेच उस पर्टिकुलर बिजनेस के भी सीखेंगे, साथ साथ आप अपने बिजनेस को किस तरह से चलाना है ये भी दावपेच आप एक बिजनेसमैन के साथ रहकर सीख सकते हैं। तो ये आपको बिजनेस का स्तर हमेशा छोटा रखें, छोटे से शुरू करें, ताकि आपका नुकसान हो तो आप झेल सको। अगला जो सवाल है कि व्यापार शुरू करने से पहले किस प्रकार अपने आप को तैयार करें, यानी कि क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। व्यापार शुरू करने से पहले आपको दो तरह की तैयारियां करनी होती हैं, एक होता है आपको मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना है, दूसरा है आपको रिसोर्स वाइज, आइडिया, पैसा, मनी, आपको लोग जो चाहिए, टीम चाहिए, ऑफिस, कहां से मैं सामान लाऊं, वेंडर्स की लिस्ट, कहां से बाइंग करूंगा, कहां बेचूंगा, इन सब चीज़ों का जुगाड़। सबसे पहली ज़रूरत है आपको मानसिक रूप से तैयार होने की, कि मानसिक रूप से क्या आप जो चैलेंजेस बिजनेस के अंदर मैंने बताए उन चैलेंजेस को लेने के लिए, झेलने के लिए तैयार हो, फेस करने के लिए तैयार हो। मानसिक रूप से जीवटता और मर्दानगी आपके अंदर अगर भरी हुई है, रिस्क लेने की क्षमता है, लोगों के ताने, परिवार के ताने, परिवार के अंदर तंगी और काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज अपनी खुशियों पर, और कम्फर्ट जोन से आप बाहर आकर आपको काम करना है, निकलना है, छुट्टियों को त्याग करना है, तीज त्यौहार, संडे वनडे कुछ नहीं होगा आपके 2-3 साल के लिए, और अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के जाकर बैठकर जो आप गप करते हो, या फिर अपने मोबाइल पर जो नेटफ्लिक्स और ये सारी मूवीज देखते हो, या फिर रात में आप अपनी सीरीज देख देख के अपना जो है टाइम बिता देते हो प्राइम वीडियो पर, ये सब कम्फर्ट मजेदारी चीज़ें हैं। फेसबुक वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर टाइम बताना, दोस्तों के साथ गप लगाना, सब खत्म हो जाएगा। इन सब को बदलना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा नए सांचे में, नई आदतों में, नए मेंटल इंस्टीट्यूट में, नए फ्रेम ऑफ माइंड में, नए फ्लो ऑफ एक्शन में, और अपने आप को बदलना होगा नए एक योद्धा की तरह, जो बिजनेस में मचा देगा मारकाट और जीत कर लेकर आएगा तरक्की, उन्नति और वैभव के सारे साजो सामान अपने परिवार के लिए और अपने लिए। अगर आप तैयार हैं इस तरह से अपनी तैयारी करने के लिए, तो आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो। मानसिक रूप की तैयारी नंबर वन। नंबर टू, आपको तैयारी करनी है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज में क्या है, बिजनेस कौन सा करूं ये आइडेंटिफाई करना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, किस एरिया में रहते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके शहर, आपके कस्बे में, या जहां बिजनेस करना चाहते हो, किस तरह के आपके कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, कितने लोग हैं, उसका आगे स्कोप क्या है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना, उसका आभास लेना, स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना, मीटिंग्स को अटेंड करके पूछना, वेबसाइट से विजिट करना, यूट्यूब के वीडियो, जानकार लोगों के, समझदार लोगों के वीडियो देखना, एक्सपर्ट से राय लेना, और उन लोगों से समझदारी से ये चीज समझना कि क्या मुझे इस लाइन में वाकई में उतरना चाहिए या नहीं।
नंबर टू, पैसे का जुगाड़, जो कम से कम पूंजी आपको चाहिए उसका जुगाड़ करिए। लोन लेना है, रिश्तेदार से उधार लेना है, गोल्ड लोन लेना है मुथूट में डाल के, या फिर आपको बैंक लोन लेना है, मुद्रा का लोन लेना है, या फिर कहीं से उधार लेना, मार्केट से जुटाना, या फिर क्लाइंट जो पोटेंशियल कस्टमर है उनसे पहले से एडवांस ले लेना है। मैं एक ही बात बोल दूं आपको कि जो भी व्यक्ति अपने मन में ठान ले केवल पैसे की वजह से बिजनेस का आइडिया, रोकना मत। इस चैनल पर, इस कोर्स के, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास बहुत बढ़िया कन्विक्शन है, आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल सेट है, कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आत्मविश्वास है कुछ कर गुजरने का अपने बिजनेस में, सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी, इस कमी की वजह से उस आइडिया को मत रोकना, उस इच्छा को मत रोकना। आप शायद 10-20-50 घरों को रोशनी और रोटी, उनके घरों के चूल्हे जलाने का इंतजाम करने वाले व्यक्ति हो, वो वरदान लेकर आए हो जिंदगी के अंदर, अपने कुछ पुण्य कमाने आए हो, उस काम को मत रोकना। कैसे पैसा कमाओगे, कैसे पैसा इकट्ठा करोगे, इस चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एक डिटेल में, एक कोर्स के बारे में, जिस कोर्स में हमने सारी चीजें सम्मिलित की हैं, जिसके बारे में अभी राणा जी आपको बताएंगे। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं होगी अगर मेरे सामने से ऐसा व्यक्ति निकले मेरी नजर से कि जिसके पास बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, स्किल है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, लेकिन केवल पैसे की वजह से वो रुका हुआ है। यकीन मानो, दुनिया में आज अगर आपके पास शानदार आइडिया है, जानदार आइडिया, पैसा जुटा लोगे, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं आपको, अपने अनुभव से 25 से 30 मैंने आइडियाज पर काम किया है, 17-18 में फेल हुआ, सीखा, गिरा, पड़ा, रोए पीटे, बहुत मुश्किलें हुई और 7-8 वेंचर्स को बहुत सक्सेसफुल बनाया मजेदार से, और आज मतलब विद गॉड्स ग्रेस एक अच्छे लेवल पर हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन है, सफल बिजनेस है, और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ इस कॉन्फिडेंट टोन में, तो उसका कारण मेरे वो लर्निंग है, वो कॉन्फिडेंट मेरा बिजनेस बनाया हुआ है, मेरी आंखों की चमक, मेरी बोली की कॉन्फिडेंस, जो एटीट्यूड है, जो टोन है, वो आपको ये बता रही है कि यस, कुछ किया है इस इंसान ने, तभी हमारे सामने आकर बात कर रहा है। तो वो सारी तैयारियां करें, किस तरह से आप एम्प्लॉइज कहाँ से हायर करोगे, मार्केट का कोई पायलटिंग करिए, जो लोग बिजनेस में हैं इस तरह के बिजनेस में, उनको देखिए गौर से, पूछ सकते हैं तो पूछिए, बता सकते हैं वो आपको तो बताएंगे, अगर नहीं बताते हैं तो ठीक है, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये बिजनेस करना सही रहेगा। दूसरी बात, मैं एक और बात बोल देता हूँ, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में उतर रहे हो, उसी बंदे से पूछने पहुंच गए अपने ऑफिस या अपने ही कॉम्पिटिटर के पास, शायद वो आपको हताश करे, निराश करे, वो कहे कि नहीं जी इसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा पूछ रहा है, अपना धंधा शुरू करने की सोच रहा होगा, अपना कॉम्पिटिटर कोई खड़ा नहीं करता, खासकर ट्रेडिशनल बिजनेस में, MLM में लोग खींचते हैं, ये अलग बात है ठीक है, और ये MLM की बात नहीं हो रही है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको सीखना है, जानना है, तो उस ऐसे व्यक्ति से पूछें जिसके बारे में, जिसके पास नॉलेज है, जो जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप इसके कॉम्पिटिशन में नहीं आते, आप दूसरे शहर के हो या आपका हितैषी है, तो ये तैयारियां आपको अपने बिजनेस से पहले करनी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। अगला सवाल करता हूं मैं आपको कि अगर व्यापार में घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, तो क्या करें? ओके, बिल्कुल ठीक है, व्यापार में घाटा होने पर क्या करें? बहुत कड़वी बात यह है कि जिंदगी में बिना अंधेरे के रोशनी की कीमत नहीं, बिना हानि के फायदे का, नुकसान का अगर एग्जिस्टेंस ना हो तो फायदे को, प्रॉफिट को आप कैसे वैल्यू दोगे? बिना कड़वे के, बिना खट्टे के, मीठे की वैल्यू कैसे दोगे? बिना अंधकार के बिना रोशनी की कीमत नहीं है दोस्त। इसी तरह से बिना हार के जीत का आनंद भी आप नहीं मना पाते। तो बिजनेस में मुनाफा और घाटा ये कटु सत्य है, ये पहलू हैं। जब आप बिजनेस की जो टूल है, सिस्टम है सक्सेस का, अगर कहीं उसमें कोई एक कॉम्बिनेशन लॉक होता है, बेसिकली बिजनेस या जिंदगी की सक्सेस, अगर वो कॉम्बिनेशन लॉक का आपको सही तरीके से पता है कि ये सिस्टम है, ऐसे सक्सेस हासिल की जाती है बिजनेस में, उन चीज़ों को रिचुअली फॉलो करोगे केयरफुली, आपने एक्सपर्ट से पूछा, सारी चीजें पता चल गई और पता है कि यार ये सफल लोगों ने किया, मैं भी ऐसे ही करूं, टिट्टो वही करना है जो सफल बिजनेस वाले ने किया, वही करोगे तो सफल हो जाओगे। अपना दिमाग लगाओगे, ओवर स्मार्ट बनोगे, थोड़ा दाएं बाएं चलोगे, टेढ़ा होगे, आलस करोगे, पैसे का मिसमैनेजमेंट करोगे, गलत एम्प्लॉय करोगे, ऑफिस में इश्कबाजी करोगे, या फिर रोमांस जो है अपने ऑफिस में पनपने दोगे, या फिर अपनी जिंदगी की बाकी प्रायोरिटी को ऊपर करके बिजनेस को नीचे कर दोगे, या गंदी भावना से काम करोगे, क्लाइंट के साथ खिलवाड़ करोगे, सत्य का सहारा ना लेकर झूठ फरेब इनको अपनाओगे तो बिजनेस में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, घाटा होता है, कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है इकोनॉमी वीक है, इकोनॉमी परेशान कर रही है, इकोनॉमिकल कंडीशंस बेकार हो गई, रिसेशन आ गया, आपके साथ कोई चोरी चकारी हो गई, आपने बहुत ट्रस्ट करके एम्प्लॉई रखा, अकाउंटेंट पैसे लेके भाग गया, आपका जो बायर था वो पैसे लेके भाग गया, आप ऑर्डर दिया उसने, लाखों रुपये अटक गए आपके, कुछ हजार रुपये देकर आपने लाखों का ऑर्डर दिया और वो चंपत है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ भी बाढ़ है, प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना
नुकसान होने की कंडीशन में क्या करना है? नंबर वन, हिम्मत मत हारना, हौसला मत हारना। जो हो गया सो हो गया, ईश्वर पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। तुम नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। अगर तुमने अपना बिजनेस शुरू करने की ठानी हो, तुमने किया है, पुराने जमाने के बहुत बड़े योद्धा, सेनापति, राजा रहे होगे, इतनी हिम्मत, इतना जिगर नॉर्मल आदमी जो नौकरी करता है उसमें नहीं होता। अपनी हिम्मत को टूटने मत देना, नंबर वन। नंबर टू, विश्लेषण करो, आकलन करो चीजों का, कहां गलती हुई है। खुद को समझ में नहीं आता, समझदार व्यक्ति से बात करो, बताओ उनको सारी कंडीशन, ये मेरी बिजनेस की कंडीशन हुई, पूछो, बेबाक राय मांगो, बिल्कुल निष्पक्ष और जितनी जली कटी साफ सुथरी राय मांग सकते हो मांगो। दिल पर उसको मत लेना, इमोशनल फूल मत बनना बिजनेस में, ये ध्यान रखना। वो आकलन करो, आत्मविश्लेषण करो, उन चीजों को सुधारो, गांठ में बांध लो कि ये चीज अब दोबारा नहीं होगी। पहली बार गलती हुई ठीक है, दूसरी बार करना मूर्खता होती है, तो दूसरी बार उस गलती को दोहरा के मूर्खता मत करना। आंख बंद करके किसी पे भरोसा किया, उसने ठगी कर दी, अब की बार मत कर देना। व्यापार में उधार दिया, नुकसान हुआ, अगली बार मत देना, पॉलिसी बना लो। इन चीजों का ध्यान रखो, आगे बढ़ो। अगर लगता है कि नुकसान कुछ ज्यादा है, पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई, थोड़े दिन का ब्रेक लो, बिजनेस को बंद करना है टेम्परेरी बंद कर दो, कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। हिम्मत है, हौसला है, ताकत है, शरीर में, मन में, आत्मा में, उसको दोबारा इकट्ठा करना, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद दोबारा शुरू कर लेना, कोई शर्म नहीं है। कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, आज नहीं तो कल दोबारा आना है। नौकरी कर लेना, पार्टनरशिप कर लेना, अपने आप को दोबारा से समेटो, अपने मनोबल को और हौसले को दोबारा बुलंद करके उन गलतियों को ना दोहराओ, दोबारा सीख के, ट्रेनिंग लेके, एक्सपर्ट से राय लेके लग जाओ दोबारा से, फंड का इकट्ठा करो फंड दोबारा से। क्या फर्क पड़ता है, उस उन लोगों से मत बात करो, नए लोगों से बात करो जहां से फंड लेना है, नई तरीके से कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको घाटा होने की सिचुएशन में करना है, और घाटे को अगर आपको लग रहा है कि इतना नहीं है कि ठीक है मैं रिकवर कर सकता हूं, तो सेल्स बढ़ा दो, सेल्स फोर्स बढ़ा दो, ईमानदार सेल्स के लोगों की आप भर्ती करो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग करो, खुद निकल जाओ मार्केट में बेचने के लिए। सेल्समैनशिप नंबर वन ट्रेड है एक सफल बिजनेसमैन का, व्यापारी का। आपके अंदर सेल्स की कला होनी चाहिए, बोलने की कला होनी चाहिए, तो कुछ तैयारी जो आपको करनी है उसमें से आपके स्किल सेट भी है। आपको अच्छा विश्लेषण होना है, आपको अच्छा विश्लेषक होना चीजों का, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, लोगों को कन्विंस करने की कला आपकी अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ मधुरता से बात कर, इन सब चीजों को सीखना है। और थैंक यू, बहुत अच्छा, यानी कि हिम्मत नहीं हारना है। मैं भी हमेशा सभी साथियों से यही कहता हूं कि आप कुछ भी करें उसमें हिम्मत नहीं हारना है। चाहे आपका नुकसान हो गया है, चाहे घाटा हो गया है, इकोनॉमी के हिसाब से हुआ है, किसी भी कारण से हुआ है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। यानी कि फिर से अगर आपको कुछ समय के लिए नौकरी करना पड़े, ऑटो रिक्शा चलाना पड़े, अपनी पूंजी जुटाइए और फिर से वापस बिजनेस में आ जाइए, यानी कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगला सवाल मेरा रहता है सर कि ऐसे कौन से व्यापार है जिसमें व्यापार तो छोटे हैं लेकिन मुनाफे बड़े हैं उसमें, यानी कि छोटे छोटे व्यापार को बड़े मुनाफे के साथ कैसे किया जाता है, ऐसे कौन से आइडिया, कोई 5 दीजिए आप। 5 व्यापार ऐसे जो छोटे स्तर से शुरू हो सकते हैं और बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। सिर्फ 5 नहीं दोस्तों, 150-200 से ज्यादा ऐसे व्यापार हमने इस कोर्स में केस स्टडी की तरह सम्मिलित हम करने जा रहे हैं, जिसमें आप 5 से 10 हजार, इवन कई बार 5 हजार से कम के अमाउंट में, प्रिंसिपल में, पूंजी में भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। दिल्ली का चांदनी चौक, खारी बावली एरिया, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मसालों की, ड्राई फ्रूट की, और वहां पर पता है ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं छोटी छोटी कोठरियों में, जो सिर्फ और सिर्फ बोरी का धंधा करते हैं। बोरी का धंधा बोले तो 50 बोरी चीनी वो खरीदते हैं किसी बड़े सेठ से, और उसको चीनी को 20-20 किलो, 25-25 किलो के पैकेट बनाकर चीनी के रिटेलर ले जाते हैं, जो दुकानदार कॉलोनी में काम करते हैं वहां से लेकर आते हैं, छोटी थैलियां बना के दे देते हैं। वो जो बोरी है वो आखिर बस उनके पास रह जाती है, जिस रेट पर खरीदा वहां से लाला जी से, अगर लाला जी से 45 रुपए किलो लेकर आए तो आगे भी 45 रुपए किलो दे दी उसने, अंत में क्या बचा एंड ऑफ डे, वो 50 खाली बोरियां। एक बोरी हो सकता है 80 से 100 रुपए की बिक जाए, 50 को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया,
वो पैसा उसका उस दिन का मुनाफा होता है। 4,000 रुपए हो गए 80 रुपए के हिसाब से 50 बोरियों के, ये 4,000 उसकी कमाई है। 4,000 इंटू मल्टीप्लाई करो 30 से, 1,20,000। बिजनेस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है बिजनेस करना। अगर आप नंबर वन धंधे को छोटा ना माने, बाबू जी गिरी में ना पड़े, सोशेबाजी में ना पड़े, इश्कबाजी में ना पड़े, और अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा नरम करें और बिजनेस के गुर मारवाड़ियों बंदी बनियों और सिंधियों से सीखें, तो बिजनेस करना बहुत आसान है। बिजनेस को करने वाला चाहिए, उस सूत्र को समझकर अपने एटीट्यूड को नरम रख के तरक्की करने वाला आदमी चाहिए। तो 5 ऐसे बिजनेस जिसमें आप बिल्कुल बहुत ही कम स्तर से शुरू कर सकते हो। नंबर वन है पानी की ट्रेडिंग। आज खाने पीने की चीजें, जितने भी सामान है, रोजमर्रा में काम होने वाले फल फूल, वेजिटेबल का ठेला, सब्जी का ठेला, ग्रोसरी की दुकान, ग्रोसरी की डिलीवरी घर पर, और पानी की डिलीवरी, प्रेस का काम, प्रेस करके आप किस तरह से काम कर सकते हैं, और कहीं से सस्ती कोई चीज मिलती है आपके शहर में बनती है स्पेशलाइज, को बाहर दिल्ली जैसे जयपुर जैसे शहर में ले जाकर बेचो। रिटेलिंग का काम, ट्रेडिंग का काम 2,000-3,000-5,000 रुपए में शुरू हो जाएगा। घर बैठकर बहुत सारी महिलाएं आज वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। जयपुर से एक भाई सा बुटीक है, वसुधा कुशवाहा जी हैं, बड़ा अच्छा उनका काम हो रहा है और वो घर बैठकर ही जो है 1,000 रुपए का काम कर रही हैं। वो कहीं से खरीदती हैं और आगे अपने व्हाट्सएप पे अपना मार्केटिंग करके उसको बेच रही हैं। तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसे ऐसे काम हैं जिन कामों के अंदर आपको सिर्फ बुद्धि लगानी पड़ती है, थोड़ा सा ऑब्जर्विंग माइंड बनना पड़ता है। मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत होती है कि लोग व्यापार करने की क्षमता रखते हुए व्यापार क्यों नहीं कर पाते हैं। पहली चीज, उनको डर रोकता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। दूसरा डर ये लोग रोकता है कि मेरी कॉलोनी और रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। तीसरा डर लगता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, पीएचडी कर ली, मैं सब्जी का काम करूंगा। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। किसी की नौकरी करोगे, चापलूसी करोगे, धक्के खाओगे, बेरोजगारी में दिन काटोगे, सरकारी नौकरी के चक्कर में इंतजार करोगे और बेरोजगार रहोगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, टेंशन में आ जाओगे, शादी भी नहीं होगी, फ्रस्ट्रेट होगे, फिर सुसाइड कर लोगे, ऐसी जिंदगी चाहिए या फिर अपने खाली पेट को भरने का जुगाड़। कोई भी डिग्री आपकी ये नहीं कहती कि मैंने जिस डिग्री में आपने पढ़ाई करी है वही काम करो। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, आपका बिजनेस सेंस क्या कहता है, आपके अंदर अगर वो पैशन क्या है वो काम करो, उसमें धंधा ढूंढो, ठीक है। और राणा मची जैसे कि सोलर के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, बड़ा इतनी बढ़िया, मैंने इनके वीडियोस देखे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये काम आज न सिर्फ जन जन तक रोशनी और एनर्जी का एक अल्टरनेटिव आप स्रोत जो पहुंचा रहे हो, उसके टूल्स पहुंचा रहे हो, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। नंबर टू, आप जो है सोलर का काम एक बहुत ही बड़ी सनराइज इंडस्ट्री है, सोलर के इक्विपमेंट, सोलर लालटेन, सोलर कुकर, सोलर बैटरी, ऊपर ऑपरेटेड रिक्शा एंड ऑल, ये सारी चीजों में आप काम कीजिए। छोटी छोटी लालटेन सोलर की आती हैं, उनसे रिटेलिंग शुरू करो, मत करो किलोवाट का शुरू, मत करो मेगावाट के प्रोजेक्ट से शुरुआत। क्यों हाथ जलाते हो, पहले छोटे में बेनिफिट लो, छोटे में टेस्ट लो अपने एरिया का, लोगों को आदत तो डेवलप होने दो, एजुकेशन तो लेने दो कि सोलर की भी कोई कीमत है, सोलर नाम की कोई चीज है। तो इस तरह से ये सोलर का काम भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारे चिप्स बनाकर काम कर सकते हो, घर में चिप्स बनाओ, पापड़ बनाओ, बीकानेर वगैरह की साइड रहते हो तो भुजिया बनाओ, उसको बेचो, दिल्ली में ले जाकर बेचो, अच्छी पैकेजिंग करो। मैं आपको बता दूं कि आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में हजारों दुकानें चाहे हो, चाहे सैकड़ों हलवाई हो, सैकड़ों भुजिया वाले हो या पापड़ बनाने वाले हो, कभी भी ये मत सोचना, निराश मत होना कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, मेरा काम कैसे चलेगा। हर किसी की दुकान चलती है, क्वालिटी अच्छी करे, पैकेजिंग बढ़िया करे, शानदार टूल्स टेक्निक का यूज करे। आप चाहे 25 साल पुराना कोई बिजनेस है उसको भी पहचान सकते हो। ये टूल्स टेक्निक आपको कहां मिलेंगे सीखने को, छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा कोर्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपका जो कहना है मेरे भी बिल्कुल माइंड में फिट हो गया एकदम, कि आप छोटे लेवल पर जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आप बड़े मुनाफे कमा सकते हैं। जैसे आपने बताया है कि अभी दिल्ली वाला जो चीनी का व्यापार करता है वो चीनी के बोरी का व्यापार करता है, चीनी 45 रुपए किलो लेके आ रहा है तो 45 रुपए किलो ही बेच रहा है, लेकिन जो 50 बोरी बची है उससे वो पैसा कमा रहा है। यानी कि लोगों को दिमाग लगाना है, दिमाग को आगे आगे चलाना है कि किस प्रकार आप व्यापार कर सकते हैं। आपके पास पूंजी कम है तो भी व्यापार कर सकते हैं, पूंजी ज्यादा है तो भी व्यापार कर सकते हैं।
अगला सवाल है जो है हमारे युवा साथियों के लिए, जो इस कोरोना काल में नौकरी के बागडोर से निकलकर वापस आ गए हैं, जो बाहर थे, जो बॉम्बे थे, जो कुवैत से, जो मकसद थे यानी कि दूर दूर जाकर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी कर रहे थे, उनके पास पूंजी कम है लेकिन आइडिया है, लेकिन किसी के पास पूंजी है तो किसी के पास आइडिया नहीं है, उनके लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, आपकी संस्था किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है आप बताइए। साथ में ही आप जो 20 सालों का एक्सपीरियंस है उनको भी मैं सुनना चाहूँगा कि आप किस प्रकार इन कठिनाइयों से जुड़कर, कठिनाइयों से लड़कर आप बाहर निकले हैं। बहुत बढ़िया सवाल है राणा जी। जो युवा आपके चैनल को और इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों की मदद मैं किस तरह से कर सकता हूं, मेरी संस्था कैसे कर सकती है, कई तरह से और इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से। कैसे? बिजनेस को करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग कोच, नई लैंग्वेज सीखनी है फ्रेंच जर्मन तो आपको फ्रेंच का टीचर ढूंढना चाहिए, ड्राइविंग सीखनी तो ड्राइविंग किसी से जो लर्निंग एक्सपर्ट है उससे सीखोगे आप, ड्राइवर ट्रेनिंग ड्राइविंग जो ट्रेनर है उनसे सीखते हो, या कोई आपका भाई बंधु जिसको ट्रेनिंग आती है ड्राइविंग आती है उससे सीखते हो। इसी तरह से बिजनेस को करने के लिए भी आपको एक बिजनेस ट्रेनर, बिजनेस कोच जिसने खुद के बिजनेस किए हैं, जिसने उतार चढ़ाव देखे हैं, फेलियर्स देखे हैं, वो चीज़ें देखी हैं, गहराई से परखा है, उसमें खुद जिया है कि बिजनेस में क्या चीज़ फेल करती है, क्या चीज़ हमें आगे पास करती है, क्या चलता है क्या नहीं चलता। लगभग 2 दशकों से भी ज़्यादा के मेरे अपने खुद के बिजनेस के एक्सपीरियंस, 4 से 5 वर्षों तक सिटी बैंक, आनंद राठी, इंडिया वुल्स जैसी कंपनीज में हायर प्रोफाइल पर काम किया हुआ एक्सपीरियंस, 3500 से ज़्यादा बिजनेसेस की केस स्टडी की, मेंटरिंग की, उनको कंसल्टिंग दी, और कुछ ऐसे बिजनेस भी आज खड़े हुए हैं मेरी मदद से, मेरे कुछ गाइडेंस जो मैं ईश्वर की अनुकंपा से, मेरा कुछ नहीं है, आज उन लोगों को 100-100 करोड़ के वैल्यूएशन पर फंडिंग मिल रही है। हमारे अपने वेंचर hellopandit.com जो भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पोर्टल है आज की डेट में, काफ़ी चैलेंजेस पीछे हमने भी उसमें फेस किए, 2017 तक बहुत बूम पे थे, पिछले 1.5 साल में बहुत चैलेंजेस हमने देखे, दोबारा रिवाइव हो गया है और उसका हम IPO 2021 की जुलाई में लेकर आ रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर स्टार्टअप के अंदर हम उसका IPO लेकर आ रहे हैं, एक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। तो सोचिए एक सफ़र जो हमने तय किया पिछले 2-2.5 दशकों में, उसमें क्या कुछ नहीं देखा होगा, 4 से 5 बार लगभग मैं 0 हुआ अपने बिजनेस में, दोबारा खड़े हुए, हिम्मत बटोरी, मोटिवेशन लिया, सेल्फ इंस्पिरेशन लिया, अपने आप को डिसिप्लिन किया, दोबारा से टटोले, प्लान बनाए, नए आइडियाज ढूंढे और काम कर डाला। तो पहली बात यह कि आपको प्रेरणा, मार्गदर्शन, एक मानसिक रूप से मजबूती और कैसे आप अपने आप को स्किल वाइज तैयार करें बिजनेस का एक पार्ट हो इस कोर्स का यह है। मेरा जो छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा और वेबिनार के, फ्री वेबिनार के जो कोर्सेज हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करें, और जो कोर्स है बहुत ही हाईली अफोर्डेबल प्राइस पर है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर परचेज करिए, देखिए। और गागर में सागर जैसा कोर्स है, मैं अपने मुंह से ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, आप खुद लिखेंगे, पढ़ेंगे और कमेंट उसके बारे में करेंगे, वो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। जो मैंने बातें बोली हैं अगर आप उससे असेस कर सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का अनुभव मेरा रहा है और क्या चीजें जिंदगी में मैंने देखी हैं, तो मैं आपको क्या बता सकता हूं। मेरी तरफ से आपको पूरा मार्गदर्शन बिजनेस की आइडिया से लेकर सक्सेसफुल बनाने तक पूरा मार्गदर्शन, 25-30 वीडियोस का वो कोर्स, उसके अलावा हर महीने में 1 या 2 क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर। लॉकडाउन जब खुल जाएगा, कोरोना की सिचुएशन हट जाएगी, अगले साल हम लोग शहर शहर राज्य राज्य घूमकर सेमिनार वर्कशॉप 1-to-1 मीटिंग्स करेंगे, वहां मुझसे मुलाकात कर सकते हो। मेरे आने वाले कोर्सेज, मेरे आने वाले सेशंस, मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर जाकर जो भी वीडियोस देखते हैं वहां जाकर देखिए, चंद्रशेखर सिंह मोटिवेशन स्पीकर नाम से चैनल है, वहां देखिए, लिंक आपको और मिल जाएंगे। राणा वजी से पूछिए वो आपको बताएंगे, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हमें हम आप ही के चैनल पर, इस चैनल पर आपके लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए आने वाले और समय में बनाए, अगर बनाने की जरूरत है तो हम बनाएंगे। तो पूरा मार्गदर्शन, हैंड होल्डिंग आपको मेरी तरफ से मिल सकती है, मेरा अनुभव, मेरा गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूं, खुले दिल से, बिना किसी तरह की फेलियर को छुपाए हुए। मैं एक ही बात बोल दूं, जो मैं आज बड़े कॉन्फिडेंस से कैमरे के सामने खड़े होकर, और आप मुझे अपनी मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे हो, ये इतना आसान नहीं था। मैंने भी अपना हार्ट बर्न किया है, कैश बर्न किया है, बहुत स्ट्रेसफुल
स्लीपलेस नाइट बिताई हैं, लड़ाई झगड़े मकान वाले की टेंशन सबको झेला है और उन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। ये बिजनेस की कड़वे सच है और आपको बहुत ज़्यादा मन से मजबूत बनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। पहली चीज़ तो ये कि बॉडी माइंड सोल तीन आपके जो आस्पेक्ट है एग्जिस्टेंस के, उसको कैसे मजबूत करोगे। इस कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के टूल्स एकदम से नहीं आ जाते शुरुआत से, पहले दो तीन एपिसोड, इनफैक्ट चार पांच एपिसोड आपको मानसिक शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत इंसान, आपकी लाइफ को एकदम टर्न अराउंड करने वाला चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेकर आने वाले वीडियोज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं। आप प्रॉपर उसमें असाइनमेंट करेंगे, आपको खुद असेस कर पाएंगे। एक ऐसा फैक्टर मैंने डेवलप किया है जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन, कितना कैपिटल आपके पास रिस्क लेने के लिए है, किस जगह रहते हैं, कितनी आबादी है, आपका पैशन क्या है, किस तरह का ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है और आपका इंटरेस्ट क्या है, उसको देखकर उस वेक्टर में जब आप अपने आप को डालोगे तो देखोगे कि ये पांच छह ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ जाएंगे, ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। मैं कह रहा हूं कि आपको लाख रुपए भी इस कोर्स की कीमत कम लगेगी, मगर एक प्रभु इच्छा, एक अंदर से ये इच्छा कि मेरा जो अनुभव है मेरे साथ ही ऐसे ना चला जाए। अगर मेरे इस अनुभव से जहां इन हजारों लोगों का फायदा हुआ मेरे 2010 से लेकर अब तक के बिजनेस कोचिंग और मेंटरिंग में, आगे क्यों नहीं लाखों लोगों तक क्यों ना पहुंचे। उस कोशिश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है पीएम साहब ने, उस चीज को करने के लिए मेरा किसी गवर्नमेंट की स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, बट आई विल गाइड यू कि किस तरह से मुद्रा लोन आप ले सकते हो, किस तरह से आप फंड का अरेंजमेंट कर सकते हो, किस तरह से आइडिया की सोर्सिंग कर सकते हो, आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, किस तरह से लोगों के व्यवहार आप समझें, लोगों को आंकलन करें, इंटरव्यू किस तरह से लें, क्या क्या बंदे में देखना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या आपके अंदर स्किल सेट डेवलप करना है, घर का माहौल कैसे सही करना है जब आप बिजनेस से थके हारे आ रहे हो, लौट के आ रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं प्रैक्टिकल जो मैंने अपने जीवन में अपने इस बिजनेस के अनुभव में लिए हैं, वो सब चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। 1999 में जब मैं कॉलेज के अंदर ही था, फर्स्ट ईयर ऑफ मेरी एमसीए में था, तब मैंने अपने कॉलेज के लिए न्यूज़पेपर शुरू किया, आरएनआई में जाकर 2002 में रजिस्टर करवाया, 20 साल आज 18-20 साल हो गए उस न्यूज़पेपर को, द इन्फो एक्सप्रेस के नाम से हुए। कॉलेज में बीएससी के अंदर 98 में मैंने अपना ट्यूशन अकेडमी शुरू कर दी थी, अपने हॉस्टल के रूम से चार छह दोस्तों को भी ट्यूशन दे दिए, 15-20 ट्यूशन लोकल हमें एरिया से मिल गए थे, तो वो एक अनुभव तब से शुरू हुआ। 2002 से लेकर 2006 तक मैंने नौकरियां की हैं इंडिया पोस्ट सिटी बैंक में, उसके बाद फिर फुल टाइम बिजनेस किया और अपने बिजनेस खड़े किए, बहुत सारे रिस्क लिए, बहुत सारे फेलियर हुए, फेल्ड अटेम्प्ट देखे और बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव देखे, लड़ाई झगड़े हुए, मन मुटाव हुए, लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति देखी, अपने ऊपर मतलब ऐसा देख रहे थे लोग के बड़ा अरे बेचारा है, बहुत सारी सिचुएशन से गुजरा हूँ, अपने आप को समेटा हर बार, रोजाना समेटा, हर महीने में समेटा, हर साल समेटा और खड़े होकर जो अनुभव लिए वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, आपका मैं दिल से हृदय से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी ऑडियंस का, सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं हृदय से प्रेम पूर्वक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने 30 से 40 मिनट्स इस जो सेशन था, ये जो मैंने ये चीज़ मैंने यानी कि जो चंद्रशेखर जी का वेबिनार अटेंड किया था मैंने, और वेबिनार में मैंने जो सुना था, मैंने कहा सर आप मेरे चैनल पर आइए और आप हमारे चैनल में जो ऑडियंस है उनके लिए आप ये वेबिनार का सेशन पूरा कीजिए। तो सर ने जो वेबिनार था उनका निचोड़ करके जो सारांश था वो हमारे साथ पेश किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अगेन फिर आप जब भी हम बुलाएं तब आप पधारें और हमारे ऑडियंस के हिसाब से अपन आगे और भी आपको बुलाते रहेंगे। और अगला जो मैं चाहता हूं कि टॉपिक है वो पूरा सोलर इंडस्ट्री पे होगा कि सोलर इंडस्ट्री में आगे किस प्रकार बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच राणावत जी, आप सभी लोगों का फिर मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना, समय दिया। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप में से जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पर ले जाएं, गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें और एक बुलंद भारत की, बुलंद अपने परिवार की समृद्धि के द्वार खोलें। अपने जीवन में एक कर्ण, दानवीर कर्ण की तरह आप लोगों को नौकरी दें, उनके घरों में चिराग जलाएं, उनके घरों के चूल्हों को जलाने में मदद करें और इस बड़े महायज्ञ में, बेरोजगारी को खत्म करने के महायज्ञ में जो आहुति
गमेर सिंह राणावची दे रहे हैं अपने चैनल के जरिए, मैं आपका साधुवाद करता हूं। आपने बहुत जमीन से जुड़कर आपने उठे हो, 4 वर्ष के अंदर आपने जो मेहनत की है, तरक्की की है, वो काबिले तारीफ है। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जल्दी ही आप मिलियन सब्सक्राइबर्स के बेस वाले लोगों में शामिल हों, यूट्यूबर्स में आपकी तरक्की हो, कंपनी आपका एक प्रोडक्शन हाउस की तरह काम करे, लोगों के मार्गदर्शन जिस तरह से आप करते आ रहे हो, आप लोगों की जिंदगी में जो बदलाव ले रहे लेकर आ रहे हो, वो दुआएं मिलें, समृद्धि आए आपके घर परिवार में, समृद्धि आए आपके जीवन में, समृद्धि आए न सिर्फ मिलियंस आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर के लिए आगे लिखा हो, बल्कि मिलियंस में रुपीज आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आते रहे। इसी कामना के साथ साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।